सो वेलकम बैक सो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पी वाई क्यू टू थाउजेंड नाइनटीन अभी तक हमने जो कवर किया है दैट इज वो हमने कवर किया है दो हज़ार अठारह तक सो so, आज हम डिस्कस करेंगे टू थाउजेंड नाइनटीन तो टू थाउजेंड नाइनटीन जो है दैट इज हिस्ट्री और इसमें लगभग लगभग पंद्रह जो है पंद्रह बोला क्वेश्चन आए हुए हैं सो लेट अस स्टार्ट So, before that, you have uh, there is information important information for you people that is, we are going to start a batch that is PTCom mains batch foundation batch for 2025 with a huge bonus for you. You can use that is a coupon code that is to avail the discount. Okay, so let us start. So, question number 10 with reference to Mughal India. वट आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम देखिए ये दोनों सिस्टम जो है ना ये मिडिबल टाइम पीरियड में आए थे दैट इज जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम ओके तो जागीरदारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम तो में देर वर सडन राइट्स वर गिवन कुछ राइट्स जो है वो दिए जाते थे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट एस सी द स्टेटमेंट जागीदार फॉर द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट in lieu of judicial and police duties whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation of perform any duty other than revenue collection so the statement is entirely incorrect okay so jagirdars were holder of land assignments in lieu of judicial and police services asaneedhaki is serf ki limited tha. they were also given the other rights and zamindars were also given the other rights okay so land assignment to jagirdars were hereditary.

So sealing, uh, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है दीलिंग लॉस वर एम एट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग दो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट उल्टा लिखा हुआ है मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंड लेस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आई थिंक दिस इज द राइट आंसर ओके सो नाउ सी दिस इज द राइट आंसर दैट इज दी थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें जे, जे सी कुमारीहेंूविंग एग्रीकल्चर सो पोस्ट इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, इसके मेजर चार कंपोनेंट थे और कंपोनेंट वॉज देयर दैट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी जमीदार जागीदारों को अबॉलिश करना है इम्पलीमेंटेशन ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है सेटिंग लिमिट्स ऑफ लैंड ऑनरशिप रखनी है एंड फैसिलिटेटिंग द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड ऑनरशिप तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स बड़े प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुए सबसे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए आपके जम्मू कश्मीर में विद द एफर्ट्स ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एफर्ट से ओके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के एफर्ट से आपके लैंड रिफॉर्म्स वहां पे हुए क्वेश्चन नंबर 122 ट्वेंटी टू दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हुई जैसे से सपोज फर्स्ट रुपीज वन लैक वॉर सेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन कृष्ण मिशनरीज को जो है उसको परमिशन दी गई देन उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनापली है मोनापली पे भी बात हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनापली पे ओके सो इट एंडेड द ट्रेड मोनापली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड एक्सेप्ट द ट्रेड विद चाइना सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इट असर्टेड द सॉवरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट टू द सम एक्सटेंड रेवन्यू ऑफ द कंपनी वर नाउ कंट्रोल्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट नो दिसमेंट इज रॉन्ग सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दट इज फर्स्ट एंड ट्रू ओके चार्टर एक्ट अठारह सो तेरह में क्या था जैसे वन रुपीज वन लैक्स एनकेशन मिशनरीज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर ग्रांटेड अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्सिस ऑन इंडिविजुअल फर्दर मोर लॉ प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टेरिटरीज बाय द कंपनी विद इन इंडिया स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी 1905 से लेके 1907 से चली थी ओके इट कॉन्ट्रीब्यूट द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिजन एंड इंडस्ट्री ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बड़े सारी इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई नंबर टू नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अरविंदो घोश इसके प्रिंसिपल थे और इंचार्ज थे डायरेक्टर थे वो भी बनाया गया था सो so, दो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं ओके सो सी द मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्वदेशी मूवमेंट प्लेड अ पिविटल रोल इन इन रिवर्टिलाइजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट स्किल्स एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कलकता सेशन ऑफ नाइनटीन जीरो सिक्स प्रिसाइडेड ओवर बाई राधा भाई नरोजी फोर रेजोलूशन जो है वो पास किए गए थे स्वदेशी के बारे में गुड गवर्नेंस के बारे में नेशनल एजुकेशन के बारे में और बाइकॉट के बारे में ओके okay, तो बहुत सारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप की गई जैसे प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री बनाई चिदम्बरम पिल्लाई ने इस्टेब्लिश की स्वदेश नेविगेशन कंपनी बड़ी सारी चीज़ें हुई देन 1906 में जो है नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई गई विद अरविंदो घोष इन्वॉल्वमेंट देन अरविंदो घोष एसोसिएटेड बंगाल नेशनल कॉलेज इसके साथ सुभाष चंद्र बोस भी जो हैं वो इन्वॉल्व थे

गोरखपुर उत्तर प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्या टाइम पीरियड में ठीक हैड़ो मोजो दाड़ो कोट दिजी अगेन हड़प्पन साइड दसालपुर अगेन हड़प्पन साइट देन वन जीरो सिक्स इन विच फॉलोइंग द रिलीव कल्चर इज रान्यो अशोक रान्यो मीन्स राना राना मीन्स राजा तो अशोक को राजा कहके संबोधित किया गया है मैंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोक कहाँ पे है इट इज कंगन खली कंगन खली कर्नाटक में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे सांची भी अशोकन साइड से है ये आपके गुप्ता ये भी मोरियन साइड सी है और ये जो है दैट वॉज ये है फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्ट पाकिस्तान में है ये

काम सूत्र जो है उसमें मेंशन किया गया है इम्पोज ऑन फार्मर्स विश्व कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंगेज इन फॉरेस्ट्री एंड क्राफ्ट ओके इट वॉज अ ग्रेट सोर्स वन यूरो नाइन कल्याण मंडप मंडप जो है इट वॉज इन असेंबली हॉल असेंबली हॉल है स्पेशल टाइप का असेंबली हॉल है ये बेसार स्कूल से बिलोंग करता है को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है ये जनरली हमें मिलता है साउथ में और साउथ में कहा मिलता है विजयनगर एम्पायर में हजारा स्वामी टेम्पल वित्थल स्वामी टेम्पल जो है वहां पे हमें रेफरेंसेस मिलते हैं okay. तो विजयनगर आर्किटेक्चर इज रेनाउंड फॉर रिनाउंडार इंटीग्रेट पिलर्स एंड एलेबोरेट रूफ्स ऑफन एडॉर्न विद दैट इज करंद सजा मोटिव

सुल्तान वॉज एन एंशियट इंडिजीनियस सिस्टम नो इट वॉज नॉट एंशंट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट इज इलतूत मिश अलतूत मिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ओके नो से दिस इज ऑल्सो देन रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग हो गया तो ये भी रॉन्ग ही हो गया क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो ठीक है ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इंटू एक्सिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ खिलची नो मीर बख्शी का ऑफिस पुराना है भाई ओके दिस इज परना ओके सल्तनत के टाइम पीरियड में और क्या प्रोविनसेस इन चार्ज को क्या बोलते थे इकतास बोलते थे विलायत बोलते थे रेस्पेक्टिव हेड के हो गया इकतादार मुक्ति वली नाजिम इक्तादार्स ओके देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंड निम्बाकर ठीक है निम्बाकर ठीक है निम्बारका भी बोलते हैं कंटेंपरेरी ऑफ अकबर नो अकबर का टाइम पीरियड जो है दैट इज 1542 से लेके 42 से लेकर 1605 तक निम्बारकर का जो है ये कोई थर्टीन सेंचुरी से बिलोंग करता है ट्वेल्व टू थर्टीन सेंचुरी ओके okay? संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहंदी नो दिस अगेन शेख संत कबीर जो है ही वाज एन इंडिपेंडेंट थिंकर सो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके तो ये निम्बारकर के बारे में आप देख सकते हो ट्वेल्थ सेंचुरी वॉज बोर्न इन सदर्न रीजन ठीक है निम्बारकर पास इन इलेवन ठीक है

इन लॉर्ड चेम्सवुड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोलूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर ऐसा कोई नहीं हुआ गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर एटलीस्ट फर्स्ट बार बार में तो किया ही था ओके नंबर थ्री दैट इज कंसुक्ट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सोल्ट लॉ नेशनल कांग्रेस जो है इसको बैन कर दिया गया था लीगल डिक्लेयर सो दिस स्टेटमेंट इज टोरेड सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट ओके

अकबर ही ऑलरेडी गिवन टाइटल और किसी राजे ने दिया था राजस्थान के तान सैन कम्पोज ध्रुपद डीलिंग हिंदू गॉड्स एंड ओके द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तान कैन कंपोज सॉन्ग्स इन ओन हिस पैटर्न दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट

जहांगीर जहांगीर के टाइम पीरियड में दैट ऑफ मुगल पेंटिंग मुगल पेंटिंग की जो है जहांगीर के टाइम पीरियड में इट वॉज अज ओकेड में भी जहांगीर के टाइम पीरियड में ज्यादा हुआ ओके okay? अकबर के टाइम पीरियड में जैसे हमजा नामा रजमा नामा लिखा गया नोटवर्दी पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम पीरियड में उस्ताद मंसूर अबुल हसन मनोहर बिशन दास ये सारे लोग जो थे ओके okay? तो मुस्ताद मंसूर वॉस एक्सपर्ट इन बर्ड्स एंड फ्लावर्स अबुल हसन वॉस पर्सनल पोर्ट्रेट में एक्सपर्ट था दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ ऑफ पर्शिया तो हर एक पेंटर्स की अपनी खास बात थी वन वन सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन टू द ओल्ड वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड कौन सा हो गया न्यू uh, वर्ल्ड हो गया अमेरिका ओल्ड वर्ल्ड कौन सा हो गया अफ्रीका तो कौन से प्लांट जो है यहां से लेके वहां पे शिफ्ट किए गए दैट इज टोबैको कोका दैट इज एंड रबर तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके सो दिस इज ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड टर्म अप्लाई टू द वेस्टर्न कंप्राइजिंग अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाइल्ड टोबैको दैट इज कोको एंड रबर ओरिजिनेटेड इन अमेरिका वर यूटिलाईज बाय द इंडिजिनियस पीपल फॉर द ओके सो वन वन सेवन स्टेटमेंट दैट इज पंडारपुर पंडारपुर महाराष्ट्र में है ऑफ कोर्स इट इज ऑन अ बैंक ऑफ रिवर इंपॉर्टेंट है अगेन कावेरी रिवर पे इट इज 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 फर्स्ट ट्रू ट्रू पहले और दो ठीक है एंड हम्पी जो है इट इज नॉट इट इज नॉट करेक्ट द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओके सो दैट इज पंडारपुर जो है महाराष्ट्र धर्मा के साथ जुड़ी हुई है भक्ति मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वहां पे एक लोकल डी टी विथोबा है ओके okay, बहुत सारे संत जो हैं जिन्होंने महाराष्ट्र धर्म में पार्टिसिपेट किया था ओके सो विद दिस कम्पलीटेड इज टू थाउजेंड नाइनटीन एक अस्ट्री पेपर एस जितने आप इसको ज्यादा रिवाइज करोगे दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल एंड देर इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स एट अ वेरी डिसेंट अमाउंट ओके एट अ वेरी डिस्काउंटेड अमाउंट बाई यूजिंग द यू नो यू कैन यूज दिट दिस काइंड ऑफ कोड कैश कूपन और जो है आपको अस्सी हजार रुपए का कोर्स जो है लगभग पच्चीस हजार रुपए का मिलेगा ओके यू विल गेट मोर देन फिफ्टी परसेंट दैट इज डिस्काउंट थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग